नमस्कार दोस्तों, जय ब्रह्मदेव। बहुत बहुत स्वागत है खास वीडियो में। दोस्तों, एक बड़ी समाचार आपको मिलेगा। अगले 3 दिनों के भीतर नए परिवर्तन नजर आने वाले हैं। याद रखें कि जो लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, सुनने के बाद खुशी से झूम पड़ोगे। 3 दिनों के भीतर केवल आपके ही नाम का बोलबाला होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन दिनों अब आपको कुछ ऐसे बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे कि आपका जीवन यूं बदलेगा। लेकिन याद रखिए कि घर की परिस्थिति बदलने से पहले आपको खुद की मानसिकता पर ध्यान देना आवश्यक है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे हालात आते हैं, ऐसी सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ता है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को संतुलन में नहीं कर पाते हैं और अपनी खुशी व अपना गम किसी दूसरे पर या फिर किसी तीसरे पर निर्भर कर देते हैं। याद रखें, इस जीवन में केवल और केवल ईश्वर ही आपका है और सबसे बड़ी बात, आप ही अपने खुद के हैं। क्योंकि जो खुद की मदद नहीं करता, ईश्वर भी उसकी मदद करने में कोई रुचि नहीं लेता। दोस्तों, जीवन में पहली बार ये अनोखी घटना घट रही है, पर हाँ दोस्तों, हमें यह भी बहुत अच्छी तरह पता है कि पिछले कई समय में आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है। कई दिनों से आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, कई काम बनने की बजाय खराब हो चुके हैं और इन सारी समस्याओं का कारण केवल एक ही है कि आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया है। इसी कारण आप कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे थे। हम ये बात भी जानते हैं कि आप हमेशा कड़ी मेहनत करते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, आपको कोई भी बड़ी खुशखबरी नहीं मिल पाती है। खुशखबरी तो दूर की बात है, आपको आपके परिश्रम का भी फल नहीं मिल पाता है। कोई भी कार्य करते हैं, आप वहां से निराश होकर ही लौटते हैं। हर क्षेत्र से आपको असफलता ही हाथ मिलती है। ये सब कुछ आपके ग्रहों में, आपकी कुंडली में भारी दोष के कारण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको हम बधाई देना चाहते हैं। इन 72 घंटे यानी कि 3 दिनों में बहुत ही अच्छे परिवर्तन होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब किस्मत का साथ जो आपको पिछले समय में नहीं मिल पाया था, पर अब मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, स्वयं माता रानी के आशीर्वाद से, माँ दुर्गे के आशीर्वाद से जीवन में अच्छे चमत्कार होने जा रहे हैं कि आपकी किस्मत को यूं बदल कर ही रखने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो ग्रह गोचर भी आपके पक्ष में चल रहे हैं, जिसके कारण अब आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसके लिए आपने इतने समय से मेहनत की है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसके अलावा आपको कुछ खास बातों को ध्यान में रखना होगा, कुछ गलतियों से सावधान रहना होगा। आज की इस वीडियो में उन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और ध्यान में भी रखना चाहिए। बस उन्हें जानने के लिए आप आज की इस वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें। इसमें माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, आज से अगले 3 दिनों में जो ग्रह की स्थिति का निर्माण हो रहा है, उससे दोस्तों आपका जीवन तो बदलेगा, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन में भी बदलाव आएंगे। कौन से बड़े बदलाव आपको इन दिनों में रखना है, कौन से बड़े लाभ आपको होने वाले हैं, साथ ही साथ लाभ के नए नए स्रोत भी खुलने वाले हैं। इन दिनों दोस्तों, आप लोगों को वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आप मंगल कामना करते हैं। दोस्तों, माता के आशीर्वाद से, धन से, आशीर्वाद से आप मालामाल होंगे। आपके राशि वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरियां। यूं कहें तो आपके राशि वालों की अब लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों, आप काफी खुशनसीब रहने वाले हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की इस जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, आप समय को आगे बढ़ाने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपका समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी का प्यारा बदलाव आपका दिन खुशनुमा बना सकता है। इसके साथ ही साथ जो लोग अपने करीबी या फिर रिश्तेदारों के साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उनको आपस में तालमेल बैठाकर कार्य करने की आवश्यकता है। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाएं, लेकिन ऐसे मामलों में पड़ने से बचे दोस्तों, जिनसे आपका कोई लेन देन ना हो। तो वहीं परिवार के साथ में हंसते खिलखिलाते हुए हर पल का आनंद लेते हुए दोस्तों, आप काफी अच्छा महसूस कर सकते हैं। माता पिता के साथ में आज आप बिजनेस को नई दिशा देने के बारे में ही विचार करेंगे और इसके साथ ही साथ उनकी सलाह भी लीजिएगा। जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए दोस्तों, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा काबू में रखें।
इसके अलावा कुछ जातकों को इन दिनों किसी महिला की मदद से कारोबार या फिर नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। आज से आपको अपनी सोच सकारात्मक रख करके कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। बाकी अगर जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको किसी जानकार की मदद से नौकरी मिल सकती है। छात्र हैं तो आपका मन पढ़ाई में खूब लगने वाला है। साथ ही अगर कोई महत्वपूर्ण परीक्षा आप यदि देते हैं तो दोस्तों आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। घर की जरूरतों को आज आप नज़रअंदाज करने की गलती ना करें। परिवार को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जिसके चलते आपको थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। इन दिनों किसी करीबी रिश्तेदार से देर तक फ़ोन पर बात आप कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही बातों को भी शेयर कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि इन दिनों यदि आपकी योजनाएं बाहर घूमने फिरने की हैं तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहने वाला है। तो वहीं आप घर के सजावट का सामान खरीदने मार्केट जा सकते हैं। बाकी दफ्तर के कामकाज में ज़्यादा व्यस्तता के चलते आज आप घर देर से पहुँच सकते हैं। आज से कोई व्यक्ति आपकी बातों को सुनने से ज़्यादा अपनी बातें कहना पसंद करेगा। इसके अलावा भी आप अपने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से आपकी अच्छी बातचीत होगी और दोस्तों कुछ नई जानकारी भी आपको प्राप्त होगी जो आपके लिए कारगर साबित होगी। इसके उपरांत दोस्तों जैसा कि यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है तो वहीं बिजनेस में प्राप्त हुआ धन आप दोबारा अपने बिजनेस में ही लगाएंगे और किसी आवश्यक कार्य में आपके भाई बहन सलाह ले सकते हैं। आप भी वक्त पड़ने पर उनका मनोरथ करें, बाकी आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इन दिनों आपके व्यवहार में आए पॉजिटिव बदलाव से दोस्तों आपको प्रसन्नता मिलेगी। वकालत कर रहे छात्रों के लिए यह समय शानदार रहने वाला है। आप इन समय बहुत सारी खुशियों का अनुभव उठा सकते हैं। वही चंद्रमा के गोचर के कारण यह समय आपके लिए और भी ज़्यादा अनुकूल हो सकता है। आप खुद को शांत महसूस करेंगे। इसके अलावा यदि बहुत प्रयास करने के बाद में भी आप में से कुछ लोग अपने करियर को लेकर के दुविधा में पड़े हुए हैं, अपनी रणनीति पर फिर से विचार विमर्श कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप किसी सलाहकार की सलाह लें। अब तक जो काम रुके पड़े थे वह आपके उच्च अधिकारी की सहायता से अब धीरे धीरे पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो वहीं इस समय आप में से कुछ लोग अधिक धैर्यवान और आशावादी होंगे। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। आपके लिए आगे सोचने और भविष्य की योजना बनाने के लिए यह समय बेहद ही अच्छा रहने वाला है। रिश्तों के संबंध में प्रियजनों के साथ में किसी गलत फहमी में दोस्तों जल्दी से दूर कर लें। इसके अलावा यह समय कोई विद्यार्थी अगर कोई अपने करियर को लेकर के किसी उलझन में है तो उन्हें किसी निपुण करियर सलाहकार से बात करने की आवश्यकता है। ध्यान रहे कि सलाहकार का चुनाव करें जिसमें आपको अच्छी सलाह मिल पाए। इस सलाह का दोस्तों पूरा लाभ आप अवश्य उठाएं, सब कुछ अच्छा होगा। आज उन लोगों को ढूंढें जिन्होंने अपने करियर में बहुत सफलता प्राप्त की है। उनसे आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह उस स्थान तक कैसे पहुंचे। दोस्तों उनके द्वारा किए गए चुनावों और गलतियों से आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। बाकी आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। जीवन साथी की राय लेने से यह समय आपके बिजनेस में बड़ा धन लाभ देगा। जैसे घर में छोटी सी पार्टी हो सकती है, इस राशि के प्रोफेसर्स के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी अच्छे कॉलेज से लेक्चरार के लिए ऑन ऑफर आ सकता है। लॉ के स्टूडेंट्स आज से आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए फॉर्म भरें। साथ ही माता पिता का आशीर्वाद लेने से आपके सारे कामों में सफलता अवश्य मिलेगी और आज आप अपने सोचे हुए कार्य भी अवश्य से पूरे करेंगे। यदि दोस्तों अगर नए बिजनेस की शुरुआत करने की आप सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी शुभ है। आप किसी दोस्त से चल रही अनबन आपकी कोशिश करने से समाप्त हो सकती है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया ही था कि जीवन साथी के सहयोग से आपको किसी बड़े काम में सफलता मिल सकती है। वहीं दोस्तों आज से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहने वाली है। व्यापार को बढ़ाने का प्लान भी बेहद ही अच्छे ढंग से सफल रहेगा। इसके साथ स्वास्थ्य में इस समय दोस्तों आत्म देखभाल का प्राथमिकता देना आवश्यक है। यदि आप स्वयं को गति नहीं देंगे तो पड़ी हुई ऊर्जा और उत्साह आपको थका सकता है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए समय अवश्य निकालें। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो विश्राम और तनाव से राहत को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि दोस्तों योग या फिर ध्यान। दोस्तों आपके चारों ओर ऊर्जावान हलचल के साथ में संतुलन बनाना
और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों, कई जातकों को पिछले कई दिनों से आप स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप आज से अगर इनके लिए यह सारे संतोषजनक तरीके अपनाएंगे तो काफ़ी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखें कि कोई भी तरीका समय तो लेता ही है, बस आपको थोड़ा धीरज रखना होगा। लेकिन यह भी तय है कि अगर आप नियमों का सही से पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे। तो वहीं आपको आग से संबंधित कोई परेशानी है तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं। फिर भी अगर आग से दिखने में कोई भी परेशानी हो तो दोस्तों, आज आप शरीर की जांच करवा सकते हैं। आपके आग से संबंधित कोई परेशानी होने के यदि संकेत हैं, इसलिए दोस्तों बाद में पछताने से अच्छा होगा कि आप पहले ही सावधान रहें। इसके अलावा दोस्तों, लव लाइफ की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, कुछ हफ्तों से आपका किसी खास पर यदि क्रश है और आप उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, तो दोस्तों आज आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और दिल की बात कहने के लिए पर्याप्त साहस जुटा पाएंगे। शुरुआत में आप थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होगा और आप भी खुश रहेंगे। आपके संचार कौशल पर ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है, खासकर जब आप अपने प्रियजनों से बात कर रहे हों। इसके अलावा दोस्तों, इन दिनों कुछ जातकों का साथ आपसे दूर रह सकते हैं या आपसे कुछ दूरी बनाकर वह रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि यह एक स्थायी चरण है और सामान्य मिजाज है। ये बस दोस्तों कुछ ही समय की बात है और कुछ मीठी बातें, यह पूरा खाना पकाने से दोस्तों काम चल सकता है। अपने रिश्ते में मधुरता बनाए रखने की आवश्यकता है, तभी आपको एक अच्छी समझ मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।